दोस्तों, हमारी धरती नायाब चीजों से भरी पड़ी है। कभी कभी हम ऐसी चीजें देख लेते हैं जिन पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। संसार में ना जाने कितने जीवों की प्रजातियां रहती हैं और हर प्रजाति में कुछ ना कुछ खासियत देखने को मिलती है। वो चाहे समुद्र की गहराइयों में हो या चाहे जंगलों की घनी झाड़ियों में, हमें कुछ ना कुछ विचित्र मिल ही जाता है। क्या आप ऐसे किसी जीव को जानते हैं जो अदृश्य हो? चलिए, अगर आपको यह नहीं पता तो सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या आपने ऐसे किसी जीव के बारे में पढ़ा है या देखा है जिसके आर पार देखा जा सकता है? चौंकिए मत, हम सही कह रहे हैं। इस रहस्यमय धरती पर आपको ऐसे कई जीव दिख जाएंगे जो लगभग ट्रांसपेरेंट हैं। आपके लिए इस बात पर विश्वास कर पाना अभी भी इतना मुश्किल हो रहा है, तो आइए बात करते हैं उन पारदर्शी जीवों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मल्टीपल द गुरुजी। ग्लास विंग बटरफ्लाई। सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में पाए जाने वाली ग्लास विंग बटरफ्लाई नाम की तितली के पंख पारदर्शी होते हैं। रोशनी इसके आर पार से निकल जाती है। यह सबसे खूबसूरत पारदर्शी जीव होता है। इसकी कई सारी प्रजातियां हैं। इसके पंखों में से सिराएं दिखाई देती हैं। इसके पंख इतने पारदर्शी होते हैं कि फूल पत्तियों पर बैठी इस तितली को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। ग्लास विंग तितली के पंख 5.6 से 6.1 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनके पंखों के ऊपर का हिस्सा लाल, काला, हरा व पीला किसी भी रंग का हो सकता है, जबकि निचला हिस्सा पारदर्शी शीशे की तरह होता है। जेलीफिश। जेलीफिश हर समुद्र की सतह से समुद्र की गहराई तक पाए जाते हैं। कुछ हाइड्रोजोआई जेलीफिश ताजे पानी में भी पाए जाते हैं। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत व पारदर्शी जीव है। इसकी लगभग 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां इतनी पारदर्शी होती हैं कि जिन्हें देखने के लिए कुछ खास तरह के लेंस की आवश्यकता होती है। इसका 90% शरीर जल से बना होता है। इसके शरीर का आकार छतरी के आकार की तरह होता है, जो 2 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। इसकी खास विशेषता यह है कि इसके शरीर की कोशिकाओं से प्रकाश निकलता है, जिसके कारण छोटे छोटे जीव इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे बेहद ही आसानी से उन्हें अपना शिकार बना लेती है। इनकी बहुत सारी प्रजातियां जहरीली भी होती हैं, जो केवल गहरे समुद्र में ही पाई जाती हैं। ग्लास फ्रॉग। अमेजॉन के जंगलों में ग्लास फ्रॉग पाया जाता है, जो इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि इनका दिल भी धड़कते हुए देखा जा सकता है। ये अपना अधिकांश समय पेड़ों के ऊपर व्यतीत करते हैं और रिप्रोडक्शन के दौरान नदियों और तालाबों के पास आ जाते हैं। इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा पीले व हरे रंग का होता है। इस मेंढक के पेट की त्वचा बिल्कुल पारदर्शी होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर का अंग साफ दिखाई देता है। इनकी त्वचा व अंगों का पारदर्शी होने का कारण लिपोप्रोटीन फाइबर की कमी है, जिसकी वजह से इनकी त्वचा का कोई रंग नहीं होता है। ग्लास ऑक्टोपस। पारदर्शी त्वचा वाले ग्लास ऑक्टोपस सामान्यतः उष्णकटिबंधीय समुद्र में रहते हैं, जहां सूर्य की रोशनी धुंधली नीले रंग की होती है। ये बीट रेलेडोनीला जींस परिवार से जुड़े हैं। इन ऑक्टोपस की लंबाई 11 से 45 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी आंखों का आकार आयताकार होता है। इनकी दृष्टि बहुत पैनी होती है, या काफी दूर से ही अपने शिकार का आभास कर लेते हैं और अपनी पारदर्शी त्वचा होने की वजह से अपना बचाव दूसरे जीवों से कर लेते हैं। घोंघे के परिवार का यह जानवर पूरी तरह शीशे जैसा होता है। रोशनी इसके आर पार से गुजर जाती है। जेब्राफिश। जेब्राफिश दुनिया की सभी मछलियों में से खूबसूरत मछली है। इसकी खूबसूरती का कारण इसकी पारदर्शी त्वचा है। अंधेरे में चमकने के कारण इसे ग्लोफिश भी कहा जाता है, या फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। पारदर्शी और मुलायम त्वचा होने के कारण यह मछलियां वैज्ञानिक अध्ययनों में भी यूज की जाती हैं। ट्यूमर के अध्ययन में भी जेब्राफिश को आजमाया जाता है। जेब्राफिश के स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके इंसानों की आंखों की रेटिना में आई हुई खराबी को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही मछली की सुंदरता के कारण इसका इस्तेमाल एक्वेरियम में भी किया जाता है। ग्लास स्क्विड। समुद्री जीवों की ये नस्ल भी शीशे जैसी शरीर से बनी होती है। इसके शरीर से आर पार भी रोशनी गुजर जाती है। ये जानवर समुद्र तल से 200 से 1000 मीटर की गहराई में रहते हैं और वहां तक रोशनी का पहुंच जाने के कारण इनका शरीर पारदर्शी होता है। हालांकि इनके आंखें पारदर्शी नहीं होती हैं, इससे इनके शिकारी जीवों के हाथ आने का खतरा होता है। इससे बचने के लिए ये जीव अपनी आंखों के नीचे से रोशनी फेंकते हैं। इस रोशनी की मदद से ये शिकारी जीवों को झांसा देने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप इसी तरह के किसी पारदर्शी जीव के बारे में जानते हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमारे नए मेहमानों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।